पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इतनी सर्दी जो बढ़ रही है और इस सर्दियों में हम इतने सारे लोशंस यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड लोशंस यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि हमारी स्किन पर ग्लो बना रहे और हमारी स्किन जो क्रैक ना हो, फटे नहीं। सिमिलरली हमारी जो बच्चों की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ठंड से बच्चों के होंठ फट रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चों के ये वाला एरिया, नेक, ये नोज पर और ये इधर काफ़ी ज़्यादा क्रैक पड़ गए हैं बच्चों के। मतलब आप कुछ भी लगा रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कितने में महंगे ब्रांडेड आप लोशन बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इतना यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब इतने इफेक्टिव नहीं है। थोड़ी देर तो मॉइस्चर रहता है लेकिन उसके बाद गायब। लेकिन हम ऐसा क्या यूज़ करें कि जिसकी वजह से बच्चे की स्किन बिल्कुल फटे नहीं और एक नेचुरल मॉइस्चर बेबी की स्किन पर बना रहे और बच्चे की स्किन ग्लो रहे और बच्चे का कलर फेयर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी कि बच्चों का रंग गोरा कैसे करें, ठीक है। आप चाहें तो उस वीडियो को डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत सारे टिप्स बताए हुए हैं। लेकिन मैंने उसमें एक टिप बताई थी कि नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल का आप मिक्सचर बनाकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा बच्चों की स्किन के लिए हेल्दी है, प्लस कलर फेयर करती है, स्किन को एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनाती है। तो उसमें मैंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की थी, तो उसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपने वीडियो में क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, प्लीज़ क्वांटिटी ज़रूर बताएं। तो आज जो मेरी ये वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरी क्वांटिटी बताऊंगी, कैसे बनाना है, इसको कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे कैसे लगाना और इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, ठीक है। तीन चीज़ें आपको लेनी है, आपको लेना है गुलाब जल, ठीक है, एक लेना है आपको नींबू, ठीक है, एक आपको नींबू लेना है। देखिए मैंने इस तरीके से नींबू को काट लिया है। आपको लेना है ग्लिसरीन, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्लिसरीन है और ये है गुलाब जल। मैंने बाउल में अलग अलग रख लिया है ताकि इसको बना के मैं आपको इजी से दिखा सकूँ कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, क्वांटिटी भी मैं बताऊँगी आपको। देखिए ये ग्लिसरीन जो मैंने लिया है, कितना है ये, 50 ग्राम मैंने ग्लिसरीन लिया है, ओके। और ये है आपका गुलाब जल, गुलाब जल मैंने लिया है 100 ml, ठीक है, 100 ml लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो गुलाब जल होता है कितना पतला होता है, ठीक, और जो ग्लिसरीन होगी वो थोड़ी थिक होती है, थोड़ी गाढ़ी। आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी है, धीरे धीरे निकल रही है, कितनी थिकनेस है इसमें, है ना, आप देख सकते हैं कि ये कितनी थिकनेस है। तो ये आपकी ग्लिसरीन है। अब मैं आपको बताती हूँ, और एक नींबू लेना है आपको, ठीक है, एक नींबू आपको लेना है। जो आप गुलाब जल, आप चाहें तो आप अपने चॉइस से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट है गुलाब जल, जो भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं डाबर का गुलाब जल यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने डाबर का गुलाब जल लिया हुआ है। ग्लिसरीन आप ऑर्गेनिक नेचुरल ग्लिसरीन लें, आप चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे अच्छी अच्छी ब्रांडेड ग्लिसरीन के लिंक डाले हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आपके नियरेस्ट किसी भी केमिस्ट शॉप से आप ऑर्गेनिक नेचुरल ग्लिसरीन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी हो, ठीक है, आराम से आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। गुलाब जल आप डाबर गुलाब जल ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लिसरीन नींबू कौन सा लेना, ग्लिसरीन और गुलाब जल आपको कौन सा लेना है, एक नींबू लेना है। क्वांटिटी आपको ग्लिसरीन कितना लेना, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम आपको ग्लिसरीन लेना है और आपको 100 ml आपको गुलाब जल लेना है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप किस ब्रांड का लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो ये आप देख सकते हैं, आप मैं इसको इसमें पॉर करने वाली हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट इसमें डाल दिया है गुलाब जल, मैंने इसमें डाल दिया। देखो ये कुछ इस तरह से, अब हम इसको ग्लिसरीन को मिलाएंगे, आप देख रहे हैं ना नीचे थिकनेस है, तो किस तरह से ग्लिसरीन आप मिल रही है गुलाब जल में, इस तरह से आप इसको अच्छे से मिला लीजिए, ओके, इस तरीके से अच्छे से इसको मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, अंदर से जितना भी इसमें ग्लिसरीन अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें आप नींबू निचोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने इसको नींबू निचोड़ दिया है,
ठीक, ऐसे ही मैंने आप जो दूसरा है वो भी निचोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप नींबू निचोड़ दीजिए। अब मेरा ये बॉल पूरा फिल हो गया है, अच्छे से इसको मिला लीजिए। मिला लिया, देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें क्वांटिटी भी बता दी और किस तरीके से आपको मिक्स करना है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी इस तरीके से बॉटल पड़ी हो, जी मेरी गुलाब जल की बॉटल है, इस तरह से कोई बॉटल पड़ी हो, आप उसमें इसको स्टोर करके रख लीजिए। ठीक, अब आप इसे कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? आप इसको आराम से 20 डेज से ले 20 डेज, 1 मंथ, कितने भी दिन मतलब 1 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। आप इजीली इसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि 1 वीक के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आप इजीली इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप इसको रात में लगा सकते हैं और नहाने के बाद जब आपका बच्चा, आपने उसको नहला लिया, नहाने के बाद आप अपने बच्चे के पूरे बॉडी पर इसको लगा सकते हैं, हाथ पर, पैरों पर, नेक पर, फेस पर। ठीक है, आप उसको पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो एरिया ज़्यादा फटा हुआ है या बहुत ज़्यादा काला काला है उस जगह लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। या आपको ऑल ओवर अपने अपने बेबी के पूरी बॉडी पर लगाना है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप सोने से पहले अपने बच्चे के इसके पूरे शरीर पर लगा देंगे 1 वीक तक, आप ऐसा करके देखिए, बच्चे का कलर भी साफ होगा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो मैंने नींबू डाला, ये जो मैल को निकालता है, स्किन को फेयर करता है, किसी भी प्रकार की गंदगी को ये हटाता है। ठीक है, गुलाब जल और ग्लीसरीन क्या करती है? मॉइस्चर बनाती है। गुलाब जल एक चेहरे पर ग्लो लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बच्चे के गालियाँ फट जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, वो एकदम साफ़ हो जाएंगे, सेम उसका कलर फेयर हो जाएगा, इस स्किन को लेकर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि फटी फटी सी स्किन, कहीं से खिंची खिंची सी है, कोई भी खिंचाव महसूस नहीं होगा। आप इसको कितनी एज के बच्चे को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, 1 महीने के बच्चे को छोड़कर, यानी आपका बच्चा 1 महीना कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को लगा सकती हैं। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को, लेकिन जो छोटा बच्चा है बिल्कुल 1 महीने का, उसको इसको ना लगाएं, क्योंकि इसमें जो नींबू पड़ा हुआ है वो हो सकता है उसको जलन पैदा कर दे, उसके दाने निकाल दे, उसके रैश निकल आए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं लगाना है, 1 या 2 महीने के बाद ही आप अपने बच्चे को ये लगा सकती हैं। फिर किसी भी एज के बच्चे को लगा सकती हैं, आप खुद लगा सकती हैं। ठीक है, ये हर तरह से किसी भी एज में किसी के भी लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, स्किन से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छे से उस पर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने अपने बच्चे के लगाया है, मान लो वो 3 या 4 महीने का है या 2-3 महीने का है, और लगाने के बाद उसकी स्किन पर आपको कहीं दाने दाने नज़र आ रहे हैं या फिर कोई रैश नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको लगाना बंद कर दें, कि हो सकता है कि ये चीज़ें उसको सूट ना कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन के लिए सूट हो जाए वो, तो आप इसको बिल्कुल लगाना बंद कर दें। अगर ऐसा कोई आप सिम्टम्स या कोई भी ऐसा साइन आपको अपनी बॉडी पर, बच्चे की बॉडी पर नज़र नहीं आ रहा है, उसको सूट कर रहा है अच्छे से और वर्क कर रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी रैश या कोई खुजली होती है, कि कोई फुंसी होती है, इचिंग होती है, तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग स्किन होती है। ठीक है, स्पेशली बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी बच्चे को पर्सनली 2nd मंथ से लगाती आ रही हूँ और उसका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर है। वो उसका कलर काफ़ी डल था, लेकिन जब से ये मैंने यूज़ किया है नींबू ग्लिसरीन, उसको कोई भी स्किन से प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका कलर फेयर है, उसका फेस कभी फटता नहीं है, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन इसको मैं हमेशा सर्दियों में ये बनाकर रखती हूँ, कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ, मैं अपनी स्किन पर भी इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। तो माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, कैसे स्टोर करके रखना है, कैसे बनाना है, कब तक यूज़ कर सकते हैं, कितनी एज के बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। जो जैसा कि मैंने बताया, ग्लिसरीन या गुलाब जल आप किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।